स्टॉप एंड वेट में हम जनरली करते क्या है, हम क्या बोल देते हैं, हम इस तरीके से काम करेंगे इसमें कि एक पैकेट हमने भेज दिया, एक फ्रेम हमने भेज दिया, फ्रेम की जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती मैं स्टॉप, मतलब मैंने एक फ्रेम भेज दिया, वो फ्रेम जाएगा रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जब एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ गई फिर मैं दूसरा फ्रेम भेजूंगा। बस ये कहानी है स्टॉप एंड वेट की। तभी नाम ही क्या है, स्टॉप एंड वेट, आराम से बैठो, ठीक है, मतलब फ्रेम भेजने के बाद आराम से बैठो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। अब एक्नॉलेजमेंट का क्या फंड है, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली क्या है कि जो बताती है कि हाँ आपका फ्रेम एक्सेप्ट हो गया, मतलब सक्सेसफुली पहुंच गया, ताकि वो दूसरा फ्रेम भेज सके। जस्ट एक तरह से जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं तो लास्ट में लिखा आता है ना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल या नहीं हुई, एक मैसेज आना जरूरी है ताकि यूजर को पता लग जाए कि डेटा पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अब देखो अगर पहुंच गया तो ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, नहीं पहुंचा तो एक्नॉलेजमेंट भेजने का कोई फंड ही नहीं। एक्नॉलेजमेंट तो तभी भेजी जाएगी जब डेटा सक्सेसफुली पहुंचेगा। अब यहां पे सबसे पहली कहानी आती है सीक्वेंस नंबर की। सीक्वेंस नंबर बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, अगर सीक्वेंस नंबर नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम को भेजा, एक फ्रेम को भेजा, वो फ्रेम को रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया, रिसीवर ने बोला एक्नॉलेजमेंट दे दी, एक्नॉलेजमेंट दे दी, मतलब लेट्स से मैंने कोई नंबरिंग यूज नहीं की, मैंने एक फ्रेम भेज दिया, वो फ्रेम इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास पहुंच गया, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस हो गई। तो होगा क्या, कुछ टाइम सेंडर वेट करेगा, जिसको बोलते हैं टाइम आउट, टाइम आउट टाइम, मतलब कुछ टाइम तक वो वेट करेगा और वो टाइम के बाद वो दोबारा से फ्रेम भेजेगा। जैसे वो दोबारा से फ्रेम भेजेगा, वो क्यों भेजेगा, बेसिकली हम एरर कंट्रोल कैसे हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो यानी मेरे को दोबारा से फ्रेम भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो डेटा मिला ही नहीं, मैं तो ये मान के चलूंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को पता लग गया, अगर मेरे को कब पता लगेगा जब एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो एक्नॉलेजमेंट आई नहीं तो मैंने टाइम आउट टाइमर तक वेट किया। टाइम आउट टाइमर ऐसा नहीं कि बहुत छोटा टाइम है, जनरली ये 2 into आप कह सकते हो राउंड ट्रिप टाइम तक होता है। राउंड ट्रिप टाइम मतलब गया और वापिस आया, मतलब डेटा आपका गया एक्नॉलेजमेंट आई, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। ये जनरली राउंड ट्रिप टाइम का भी डबल है, मतलब हम इससे भी डबल टाइम लेके चलते हैं कि हो सकता है रास्ते में डिले हो गया, लेकिन डिले के बावजूद भी अगर वो टाइम आउट टाइमर तक नहीं आया, मैंने फ्रेम दोबारा से भेज दिया, जैसे दोबारा से फ्रेम भेजा एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अरे इसको पता कैसे लगेगा कि ये अलग फ्रेम है और जो पहले आया था वो अलग था, ये तो सबको एक ही मान के चलेगा, तो इसलिए हम यूज करते हैं सीक्वेंस नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां पे स्टॉप एंड वेट में सीक्वेंस नंबर हम यूज करते हैं सिर्फ 2, 0 और 1। क्यों, क्योंकि इसमें सेंडर की विंडो साइज है 1, रिसीवर की विंडो साइज है 1। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने के। सेंडर की विंडो साइज का मतलब कि मेरी विंडो से एक बार में कितने जंप कर सकते हैं, सिर्फ एक जंप कर सकता है, और रिसीवर कितने एक्सेप्ट कर सकता है, एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज्यादा फ्रेम ना तो भेज सकते ना एक्सेप्ट कर सकते, ये पॉइंट याद रखना। तो कितने टोटल, कितनी मूवमेंट हो रही है, एक एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब एक सेंड कर रहे हैं और एक ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो यानी टोटल क्या हो गया 2, तो यानी मेरे को 2 सीक्वेंस नंबर यहां पे लगेंगे, और 2 सीक्वेंस नंबर कौन से यूज कर लो, 0 और 1, बस खत्म कहानी। आप देख लो डायग्राम, यहां पे मैंने फ्रेम नंबर 0 भेजा। अब एक्नॉलेजमेंट हमेशा याद रखना, 0 इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब शिफ्ट हो गया ये 1 पे, मतलब इसको 1 वाला चाहिए, तो ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा, 1। एक्नॉलेजमेंट कभी भी हम सेम फ्रेम की नहीं भेजते, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की भेजते हैं, हमेशा याद रखना एक्नॉलेजमेंट हमेशा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की ही आती है। तो एक्नॉलेजमेंट इसने क्या भेज दी, 1, ये मूव कर गया 1 पे, अब इसने क्या भेज दिया, 1, ये 1 इसके पास पहुंच जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन लेट सपोज इसने 1 भेजा और 1 रास्ते में लॉस हो गया, अब 1 रास्ते में लॉस हो गया तो इसके पास तो कुछ आया नहीं, जब इसके पास कुछ आया ही नहीं तो एक्नॉलेजमेंट कहां से भेजेगा, भेजेगा ही नहीं, तो फिर होगा क्या, फिर होगा क्या, यहां पे टाइम आउट टाइमर तक हम वेट कर रहे हैं कि जब तक मेरा टाइम चल रहा है मैं वेट करूंगा, ऐसा नहीं कि पुलिस को कॉल कर दी सबको, नहीं, मैं कुछ टाइम तक वेट करूंगा कि यार क्या पता अब आ जाए या अब आ जाए ना, भाई वो तो डीट है, वो तो आया ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब आप कह सकते हो रीसेंड करेंगे, कौन सा फ्रेम, वही फ्रेम, पहले वाला जो फ्रेम था वही हमने यहां पे, ये देखो वही हमने यहां पे फ्रेम नंबर 1 रीसेंड कर दिया, फ्रेम नंबर 1 रीसेंड कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट मूव कर गया 0 पे, इसने बोल दिया कि 0 वाला दे दो,
अब ये जीरो पे पहुंच गया, अब इसको पता है कि हाँ यार अब इसको जीरो चाहिए, इसने जीरो सेंड कर दिया, अब जीरो सेंड कर दिया, इसने जीरो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद ये मूव कर गया वन पे, क्यों कर गया, क्योंकि अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वन वाली की, मुझे वन वाला चाहिए, नेक्स्ट चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक्नॉलेजमेंट फेल हो गई तो होगा क्या, एक्नॉलेजमेंट अगर फेल हो गई तो अगेन टाइम आउट टाइमर तक वेट करेंगे, रुक जाओ वेट कर लो, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, ना वे नहीं आ रही, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से ही वही फ्रेम हम रीसेंड करेंगे। अब जैसे वो दोबारा से फ्रेम रीसेंड किया, ये कह रहा है कि मुझे वन वाला चाहिए, मुझे तो वन वाला चाहिए ना, लेकिन इसने भेज दिया क्या, इसने तो जीरो वाला भेज दिया, तो यानी ये क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो वन वाला चाहिए, जीरो वाला क्यों भेज दिया। अच्छा, इससे वो समझ जाएगा रिसीवर कि शायद एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस हो गई, वो दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और फिर जब एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाएगी वो फिर प्रॉपर वे से काम चलता रहेगा। ये छोटे छोटे केसेस हैं, इन केसेस को अपने माइंड में रखना, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन विंडो साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।